दोस्तों, कभी आपके मन में आया है कि बिल्ली आखिर किस देवी या देवता की सवारी है? हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का वाहन जरूर होता है, उनके साथ ही उनकी सवारी की भी पूजा की जाती है। जैसे भगवान शिव का वाहन नंदी है, गणपति जी का वाहन मूषक आदि है, सभी देवी देवताओं के वाहन का भी उतना ही महत्व बताया गया है जितना देवी देवताओं की पूजा का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्ली किस देवी या देवता का वाहन होता है? आपके मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि बाकी पशु पक्षियों की तरह बिल्ली किस भी देवी या देवता का वाहन क्यों नहीं है? आइए इसके बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बिल्ली को माँ लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को अधर्म की पत्नी भी कहा गया है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बिल्ली को राहु का वाहन माना गया है, और हिंदू धर्म में राहु परम अशुभ का प्रतीक बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को अशुभ ग्रह माना गया है, और राहु के कारण जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बिल्ली को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसे भी काफ़ी अशुभ माना जाता है। राहु और लक्ष्मी जीवन में कई मुश्किलों का कारक होते हैं, इसी वजह से बिल्ली को किसी भी देवता ने अपनी सवारी के रूप में नहीं चुना। तो दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।